अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ABS खत्तात और मैं आपका होस्ट मोहम्मद अबूबकर सिद्दीक। आज का ये मुख्तसर सा व्लॉग है लेकिन है बहुत अहम। तो प्रोग्राम की वीडियो देखने से पहले मैंने कहा चूँकि इस प्रोग्राम के अंदर आपको बहुत तिश्नगी महसूस होगी। आप सोचेंगे कि जिस शख्सियत को हम देख रहे हैं इनके बारे में मज़ीद गुफ्तगू होती, तो इससे पहले फिर मैंने कहा कि मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इसकी वजाहत कर दूं। तो प्रोग्राम कुछ ऐसे है हमारी इस वीडियो का कि बैनुल अक़वामी शख्सियत हमारे फ़न के बारे में पूरी दुनिया जानती है अल्हम्दुलिल्लाह उनको, और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। गुज़श्ता 40 साल से बहसीयत खत्तात मस्जिद नबवी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद मेरे उस्ताद मोहतरम शफ़ीक़ुल-ज़मान साहब हाफ़िज़हुल्लाह, उनकी पाकिस्तान आमद हुई, उसके बाद उनका प्रोग्राम बना यहाँ लाहौर आने का, मेरा ऑफिस में विज़िट करने का। तो हमने कुछ साथियों को, अपने खत्तातीन को भी दावत दी ताकि एक जगह हमारी एक ख़ूबसूरत मुलाकात हो जाए और सब हजरात जो हैं वो उस्ताद मोहतरम की ज़ियारत भी कर लें, उनकी जो है वो गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद भी हो जाएं। कोशिश मेरी ये थी कि मैं इस मुख्तसर से जो व्लॉग है हमारा ये, इसमें उस्ताद साहब से चंद बातें करता, एक उनका मुख्तसर सा इंटरव्यू भी हो जाता और वो भी जो है हमारे फ़न से वाबस्ता अफराद जो हैं उनके लिए कारआमद साबित होता। लेकिन उस्ताद मोहतरम शफ़ीक़ुल-ज़मान साहब की तबीयत कुछ ख़राब थी, उनकी आँखों का ऑपरेशन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हुआ था, तो कुछ सफ़र की थकन थी, तो उन्होंने यानी माजरत की कि मैं इस पर गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने अपने नाजरीन के लिए जो कुछ थोड़े से शॉर्ट्स समझ लें कि उनकी आमद के और इस ख़ूबसूरत मजलिस के रिकॉर्ड कर पाया, तो बासे सादत समझते हुए वही मैं अपने नाजरीन से शेयर कर रहा हूँ। तो ये बात मैंने वीडियो से पहले आपको इसीलिए बताई ताकि आप जो हैं वो सोचेंगे कि शायद इस वीडियो का कोई बकिया हिस्सा भी हमें मिलेगा या उस्ताद साहब की कुछ मज़ीद बातें भी सुनने को मिलेंगी, तो वो हम रिकॉर्ड करने से कासर रहे। और यही बहुत बड़ी गनीमत थी कि उस्ताद साहब ने हमें वक्त दिया, और मेरे लिए बड़ी सआदत है कि मैं जब से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ तो मेरे इस ऑफ़िस में पहला जो ये विज़िट था उस्ताद साहब का, और बहुत सारे साथी भी हमारे आए, मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूं। तो आइए हम देखते हैं ये चंद मुख्तसर सी झलकियाँ उस्ताद साहब के आमद की। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल ABS खत्तात को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी जो जितनी भी इस किस्म की जो वीडियोज़ हैं व्लॉग की शक्ल में, हमारे खताती से के जो हैं असबाक होते हैं उनकी शक्ल में, या जो भी इस तरह के ख़ूबसूरत हम इंटरव्यूज़ और तज्ज़िये और तबसरे करते हैं, ये बर वक्त आपको मिलेंगे बेल आइकन दबाने के एवज़, तो उसको ज़रूर प्रेस किया करें। आइए कुछ बेहतरीन ख़ूबसूरत यादगार उस्ताद साहब की आमद की झलकियाँ देखते हैं। माशाल्लाह जी, उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका वेलकम किया मैंने और मेरे साथ हमारे जो सभी लाहौर से और फैसलाबाद से मुबीन साहब उनके साथ आए थे, सभी साथियों ने। सईद नाज साहब मुलाकात कर रहे हैं, उस्मान गनी साहब ने मुलाकात की गुजरांवाला से। अनस मुमताज साहब, उस्ताद मोहतरम से 1990 से मेरा ताल्लुक़ है। कई बार उस्ताद साहब ने मुलाकात का शर्फ बख्शा। ऊपर ऑफिस की तरफ सेकंड फ्लोर उस्ताद साहब ऑफिस में तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत खुश हुए मेरा काम देखकर, बहुत दुआएं दी। उन्नीस सौ 1990 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद साहब से मुसलसल रब्ता रहा। कई बार कराची में उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अंजुम महमूद रहमहुल्लाह के साथ इकट्ठी मुलाकातें रहीं। जब भी उस्ताद शफीक साहब कराची तशरीफ़ लाते, पाकिस्तान आते, तो उस्ताद मोहतरम हाफिज़ अंजुम महमूद साहब उनसे मिलने के लिए कराची आते। और फिर ये दोनों मेरे असातिज़ा जो हैं, ये इनके साथ हमारी मेरे ही घर पर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मुलाकातें रहती। और ये लाहौर में उस्ताद साहब पहली दफ़ा मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। सब साथी इस वक्त मौजूद हैं। शहजाद अहमद बट साहब जो बहुत खूबसूरत कलमे बनाते हैं, शफीक खत्तात साहब लाहौर से, ग़ुलाम हुसैन साहब, सईद अहमद नाज साहब, बहुत खूबसूरत ये मजलिस रही हमारी। और कोशिश हमने बहुत की कि उस्ताद साहब का एक मुख्तसर सा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करें, लेकिन तबीयत की ख़राबी के बाद उन्होंने माजरत की। कारी मोहम्मद अनस मुमताज़ साहब मेरा कुछ खताती के नमूने हैं, उनके नीचे एक लाइन हम लगाते हैं, वो एक साइन की शक्ल की। उसके बारे में उस्ताद साहब से तफसील पूछ रहे हैं कि ये असातिज़ा के यहाँ इसकी क्या हैसियत है, ये ऐसे ही लगा दी जाती है या इसकी कोई ख़ास वजह है। उस्ताद साहब ने बहुत मुख्तसर अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह अनस मुमताज़ साहब के सवालात के जवाब दिए। मगरिब से पहले कुछ साथियों ने इजाज़त चाही और वो चले गए, और कुछ साथी उस्ताद साहब के साथ आखिर वक्त तक यहाँ पे मेरे ऑफिस में मौजूद रहे।